आपको क्लिप दिखाते हैं कि सईद मुनव्वर हसन ने आज कुछ ही देर पहले, आज उनका भी जलसा है, हमने उनसे बात की और उन्होंने क्या कहा, उनका क्या आइडिया था चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की स्पीच के बारे में, आप ही देखिए। अब चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने तो दोबारा फिर वही बात रिएटरेट कर दी है पिछले कुछ दिनों में, अब इसके क्या ये जो स्प्लिट दिखाई दे रही है और फिर लोगों का ये भी कहना कि क्लियर डिवीजन है प्रो तालिबान और एंटी तालिबान, ये इलेक्शन ही इस बारे में है? नहीं, इशू ये नहीं है, इशू ये है कि वार ऑफ टेरर हमारी जंग है या नहीं है। अगर ये हमारी जंग है तो 12 साल में हमें बताएं पेशरफ क्या हुई है, जितने मिसिंग पीपल है उनकी तादाद बढ़ती जा रही है और सुप्रीम कोर्ट ने साबित कर दिया है कि सब एजेंसियों के पास है वो लोग, कोई और उनको अगवा नहीं करता, और जितने ड्रोन हमले हैं सब ये बात आती है कि इजाजत से हो रहे हैं उसके वहां के, यानी जिस वार ऑफ टेरर में शिरकत करने के बाद सलाला का वाकया पेश आता है जी। तो वार ऑफ टेरर से पहले तो हम नहीं थे सलाला में इस तरीके से, अहमदाबाद का वाकया पेश आता है, हमारी आजादी खुद मुख्तारी पर हमला होता है, नेवल बेस के ऊपर हमला होता है, GHQ पर हमला होता है, तो ये अंधे को भी नजर आ रहा है, बहरे को भी सुनाई दे रहा है कि वार ऑफ टेरर में शिरकत के नतीजे में टेरर में इजाफा हुआ है। यानी ISPR के प्रेस रिलीज पर हमको क्यों जिंदा रखा हुआ है सवाद और बनेर के इलाकों में? अगर आपके मिलिट्री ऑपरेशन कामयाब हो गए हैं और आप सच्चे हैं और हालात आपके काबू में है तो मिलिट्री को विड्रॉ कर लें और ISPR के बजाय आप जैसे लोगों को इंडिपेंडेंट मीडिया को वहां जाने की इजाजत दें ताकि पता तो चले हो क्या रहा है। तो ये तो सारा झूठ है और एक एंटी प्रोपेगेंडा है, और क्योंकि अमेरिकन्स को यही सूट करता है और डू वॉर के नतीजे में हम इससे आगे जा भी नहीं सकते, तो अमेरिका की गुलामी के नतीजे में चाहे वो अस्करी गुलामी हो या माशी गुलामी, दोनों में हम जकड़े हैं। लेकिन मुनव्वर हसन साहब के साथ जब हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि देर आर सम सरप्राइजेज अप हिज स्लीव एज वेल, सुनते हैं उन्होंने क्या कहा, इलेक्शन सरप्राइजेस क्या हो सकते हैं, आप भी सुनिए। वैसे तो इलेक्शन के नतज उससे ज्यादा हैरान कन होंगे जितना लोग समझ रहे हैं, और उससे ज्यादा सरप्राइजेज लोगों को मिलेंगे जितने के लोगों ने कैलकुलेट किए हैं, और बड़ी पार्टियों को बड़े सरप्राइजेज मिलेंगे, छोटी पार्टियां भी अपनी दानिश में एक आध छलांग आगे की तरफ लगाती हुई नजर आएंगी, और ये सूट करता है एस्टेब्लिशमेंट को भी और अमेरिकन्स को भी, इसलिए कि वो 2014 में यहाँ से जाने से पहले एक ऐसी हुकूमत चाहते हैं कि जो उनकी प्रायोरिटीज को लुक आफ्टर करे और उनके ऑब्जेक्टिव या टारगेट्स को अचीव करे, तो उन्हें सूट करता है। हंग का लफ्ज तो बहुत छोटा रह गया है, कोई बड़ा लफ्ज ईजाद करना चाहिए, हंग क्या कहना चाहिए, नौरतन पुलाव कहना चाहिए, मैं खुद ही ईजाद करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए कि हंग तो समझ में आ जाता है कि 2002 में भी हंग पार्लियामेंट थी, 2008 में भी हंग पार्लियामेंट थी,